नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, कायाकल्प आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। कोविड टाइम में बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स डेवलप हुए जिससे कि लोग पोस्ट कोविड भी परेशान रहे, कोविड से रिकवर हो गए या जिनके घरों में कोविड के पेशेंट्स हुए उनको दो तीन बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हुई। पहली तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है लोगों को वो है कोविड के दौरान बहुत ज्यादा गर्म पानी लगातार पीने से, या काढ़ा बहुत सारे लोगों ने किसी कंसल्टेशन से नहीं लिया, अपने से ही दिन में दो बार तीन बार काढ़ा पीते गए, किसी ने चार चार पांच पांच बार काढ़ा पिया उसके बिना उसका कंसल्टेशन बिना देखे, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए जैसे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम आया, कई सारे लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो गए और दूसरे। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल में अपने गर्म पानी को नियमित यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दिन भर गर्म पानी ही पी रहे हैं। खाना खाने के साथ आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, एक गिलास गुनगुना पानी को खाने के साथ यूज करें तो वो आपको नियमित रूप से भी हेल्पफुल होगा। तो पहली चीज तो ये कि खाने की अपनी जो डाइट की जो कंटेंट है उसको हमें बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा। स्पाइसी डाइट नहीं लेनी चाहिए, मिर्च, खटाई, बहुत ज्यादा रॉ प्रोटीन, नॉनवेज का बहुत ज्यादा यूज, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। फास्ट फूड से बहुत बचना चाहिए, चीज बहुत ज्यादा ना लें। और मेडिसिनल यूज के लिए हमारे पास जैसे मुलेठी है, एक बहुत अच्छी दवा है जिसको कि हम एसिडिटी के केसेस में यूज कर सकते हैं। खाना खाने के पहले मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम लेते रहें, या आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन हैं जैसे अविपतिकर चूर्ण है, इसको हम रेगुलर यूज में ले सकते हैं। और डाइटरी लाइफस्टाइल में फाइबर्स का इंटेक बढ़ाएं, फाइबर जितना ज्यादा लेंगे उतना आसानी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिसऑर्डर्स है वो रेगुलेट होगा। दूसरा जो इशू बहुत कॉमनली आ रहा है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या बहुत सारे लोगों को पल्पिटेशन होते हैं, धड़कन बढ़ जाती है अचानक से, या नींद का डिसऑर्डर हो रहा है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है चेक करने पे। तो ये एंग्जाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसको कि हमें बहुत आसानी से हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज्यादा तनाव को पहले बचाना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि तनाव लेने से बचें। जब भी मौका लगे आराम से इजी बैठिए और डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग का मतलब गहरी सांस धीरे धीरे लें और गहरी सांस धीरे धीरे करके छोड़ें। ये स्ट्रेस कम करने के लिए इंस्टेंटली बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, नींद का बहुत ध्यान रखें, नींद पूरी लें। नींद को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको और दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी। खाने में जो मैंने पहले भी बताया, खान पान का ध्यान रखें बहुत। रात के खाने में स्पाइसी डाइट बिल्कुल भी न लें। रात के खाने में स्पाइसी डाइट लेने से कई बार जैसे एसिडिटी या बर्थ वगैरह आते हैं या आपको डिस्कम्फर्ट रहता है तो आपको नींद आपकी खराब होती है जिसकी वजह से फिर आपको एक दिक्कत होती है। मेडिसिनल यूज में ब्राह्मी का बड़ा अच्छा यूज है। ब्राह्मी चूर्ण या ब्राह्मी के कैप्सूल्स आते हैं किसी भी कंसल्टेशन में, आप उसको ले सकते हैं। अश्वगंधा के कैप्सूल्स आते हैं, ये तनाव कम करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। आप वॉक करें नियमित, शरीर को एक्टिव रखें, बहुत ज्यादा लेथार्जिक लाइफस्टाइल में ना रहें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, थोड़ा सा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो आपको डेफिनेटली इन सभी चीजों से राहत मिलेगी। थैंक यू।